फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर का इंट्रोडक्शन। मीन्स जो भी सिस्को ने बनाया हुआ है पैकेट ट्रेसर जो सिम्युलेशन के लिए, तो उसका आज इंट्रोडक्शन जानेंगे हम कि उसमें क्या क्या होता है। कि सिंपल हम स्टार्ट करते हैं पहले के नीचे जो डिवाइस दिए गए हुए अलग अलग, तो उसमें पहले हम करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, जो हमने पहले अगले वीडियो में भी बात की थी कि राउटर है, स्विच है, हब है, और जो ये है वायरलेस डिवाइसेस है जो एक्सेस पॉइंट कहते हैं हम, और ये जो सिक्योरिटी के साथ फायरवॉल भी यूज़ सकता है। और जब आप वाइड एरिया नेटवर्क का कोई प्रैक्टिकल करते परफॉर्म करते हो तब ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं राउटर पर क्लिक करता हूँ तो इतने सारे राउटर है जो अलग अलग है, जो उसकी सीरीज़ भी अलग अलग है। तो उसमें क्या होता है, सीरीज़ अलग होने का कारण एक ही है कि उसमें फंक्शनैलिटी चेंज होती रहती है। सेम है स्विच में, तो स्विच में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे अलग अलग डिवाइस की स्विच होती है। तो ये जो जनरल है वो ब्रिज है, और ये बाकी नॉर्मल स्विच है जो ज़्यादातर हम नेटवर्क एक्सपांड करने में के लिए यूज़ करते हैं। जो ये है हब है, हमने पहले भी बताया था कि हब है जो फिजिकल लेयर पे काम करता है। मीन्स जो भी डेटा होता है उसे फिजिकल मीडिया पे ट्रांसफ़र करता है। तो ये रिपीटर भी है यहाँ पे। अगला देखें तो हम ये जो है सारे जो वायरलेस डिवाइसेस है, मीन्स सपोज आपको कोई वायरलेस लिप मीन्स जो भी WN802.16 है, जो हमारा IEEE स्टैंडर्ड मीन्स वायरलेस लैन, तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए ये सारे डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अभी सपोज़ हमने कोई नेटवर्क बनाया है और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन रखना है, मीन्स अनऑथोराइज पर्सन है जो वो आपके नेटवर्क में कम्युनिकेट ना करे और आपका नेटवर्क का डेटा वहाँ से चुरा ना ले, इसलिए कोई भी सिक्योरिटी डालनी हो आपको तो ऐसे फायरवॉल यूज़ होता है। और ये जो है वायरलेस इम्यूलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो DSL ये केबल मॉडेम है, मीन्स आप जब भी घर पे यूज़ करते होंगे जो भी कनेक्शन आता होगा तो उसमें दो यूज़ कर सकते हो, आप LAN भी यूज़ कर सकते हो एज वेल एज वायरलेस भी यूज़ होता है। तो इस तरह हमने देखा जो पैकेट ट्रेसर में दिए गए हैं नेटवर्क डिवाइसेस। अब आगे हम देखते हैं एंड डिवाइस। एंड डिवाइस मीन्स जो लास्ट में कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे जनरल है पहले एंड डिवाइसेस, जो ये हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या कोई स्मॉल सर्वर है, IP फोन जो IP एड्रेस के बेस पे वर्क करता है, और दूसरा है वाइप डिवाइस जो वॉइस ओवर IP हम बोलते हैं उसको, जो फोन है, TV है, अभी तो स्मार्ट TV भी आ गए हो जो भी IoT में इंटरनेट के IP एड्रेस से भी यूज़ हो सकते हैं। स्मार्ट डिवाइस भी हमारा जो है वो भी एंड डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि हम जब भी वायरलेस से कनेक्ट करते हैं तो वो एज अ एंड डिवाइस वर्क करता है। तो ये सारे बहुत सारे डिवाइस दिए गए हुए वायरलेस। अभी हम देखते हैं तो होम एनवायरनमेंट में क्या क्या यूज़ होता है। ये ज़्यादातर हमारे नेटवर्किंग में नहीं, बट ये जो डिवाइसेस है वो IoT में यूज़ होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, को आपको नेटवर्क के थ्रू ये ऑपरेट होता है पूरा। अभी सपोज ये सेम ही है स्मार्ट सिटी, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं IoT में। भी आगे देखें तो जो कंपोनेंट है, जो एक्चुएटर मीन LED लाइट जो है वो भी IoT में यूज़ होता है। अब ये है जो सारे केबल है हमारे जो एक दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। तो सिंपल यहाँ पे दिए गए हुए हैं, देखिए। तो ये कंसोल केबल है। कंसोल केबल कब यूज़ होता है, कि जब आप कोई स्विच को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, मीन्स कन्फिगर करने के लिए ये यूज़ होता है। फिर ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू, जो कंप्यूटर के और स्विच के साथ कम्युनिकेशन करता है। ये क्रॉसओवर केबल है, जब आपको दो सेम डिवाइस में कोई कम्युनिकेशन करवाना हो तो ये क्रॉस डिवाइस यूज़ होता है। और ये जो येल्लो वाला है वो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये जो है कि सपोज आपको कोई फोन को कनेक्ट करना है तो इसीलिए यूज़ होता है। ये कोएक्सियल, जो हमने पहले अगले वीडियो में भी पढ़ा था कि जो इंसुलेटर होता है बीच में एक कॉपर केबल होता है, हमने ज़्यादातर देखते हैं कि कोएक्सियल केबल लाइक एज अ जो TV चैनल का आता है केबल वैसा होता है। ये जो सीरियल DC है और सीरियल DT है, ये दोनों राउटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जो हमारे लैपटॉप में कनेक्ट होता है। ये बाकी एक्स्ट्रा केबल दिए गए हैं जो IoT एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं। और ये लास्ट है USB पोर्ट वाला है। आगे देखेंगे जो एक्स्ट्रा जो भी PC यहाँ पे दिए गए हुए वायरलेस PC में हम लैपटॉप भी उसे बोल सकते हैं। और ये है जो मल्टी यूज़र, सपोज आपको कोई क्रिएट करना है मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट तो आप इसे यूज़ कर सकते हो।
अब हम चलते हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि ये रियल टाइम है। सपोज आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो ये रियल टाइम मोड पे वर्क करता है। अभी उसकी दूसरी साइड ये दिया हुआ है सिमुलेशन मोड। सपोज आप कोई पीसी को यहाँ पैकेट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और सपोज़ कोई ईआरपी यूज़ कर रहा है, आईसीएमपी यूज़ कर रहा है, अगर कोई पैकेट लॉस हुआ है, कोई जो रिक्वेस्ट है वो फेल्ड हुई है, तो सब नोटिफिकेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे एक राइट साइड पे दिए हुए हुए सब लेबल। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये है जो हमारा लेबलिंग, लाइक एज हेलो नेटवर्क, तो यहाँ से आप लेबलिंग कर सकते हैं पूरा। और ये जो दिया गया हुआ है वो डिटेल डिटेल मीन्स सॉरी डिलीट डिलीट करने के लिए। तो सपोज ऐसे क्लिक करते हो आप तो ये डिलीट भी हो जाता है। अगर आपको कोई उसका इंस्पेक्ट करना है कि उसमें क्या क्या है कोई पर्टिकुलर डिवाइस पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये है जो ड्राइंग है, सपोज आपको कोई स्क्वायर बनाना हो, कोई क्लिप्स है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, तो ये इससे यूज़ कर सकते हो, या कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो। ये दूसरा है जो एक्सपांड करने के लिए, मीन्स आपका जो शेप है उसको रिसाइज करने के लिए यूज़ होता है। ये है जो पैकेट डेटा यूनिट है सिंपल, तो सपोज आपको सिम्युलेट करना है एक पीसी में से दूसरे पीसी तक जा रहा है कि नहीं, ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि नहीं, तो इसीलिए ये पीडीयू का यूज़ होता है। सेम ये जो कॉम्प्लेक्स पीडीयू है, सपोज कि आप देख सकते हो कि एक रेंज के आपके आईपी एड्रेस दिए गए हुए हैं और वहाँ पे ब्रॉडकास्ट होता है तो सब पोर्ट पे जाता है, तो वहाँ से कोई कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है और उसको आपको टेस्ट करना है कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये कॉम्प्लेक्स पीडीयू यूज़ होता है। यहाँ अभी हम आगे देखेंगे कि सपोज आपको कोई क्लस्टर बनाना हो तो आप यहाँ से क्लस्टर भी बना सकते हो। अगर आपको कोई बैकग्राउंड इमेज भी डालनी हो तो आपकी खुद की इमेज लेकर आप डाल सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक यहाँ पे लिया हुआ है एक इमेज, तो उसकी मदद से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे किया जा सकता है। तो देखिए ये मेरा पूरा यहाँ पे बैकग्राउंड में आ गया है मेरा इमेज लर्न नेटवर्क, तो इसे बोलते हैं हम सेट टाइटल बैकग्राउंड। अगर सपोज जो मैंने लिया हुआ है उसको आपको व्यू में देखना है, मीन्स आपको ये सब नहीं चाहिए और स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप ऐसे करके इस पे जाके बड़ा कर दो आप, तो आपको यहाँ पे टाइल पे दिखाई देगा कि जो भी होगा वो व्यू पोर्ट के अंदर। तो इस वीडियो में पूरा दिया गया हुआ है इंट्रोडक्शन, और आगे एक लास्ट चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जो भी आपने कनेक्ट किया है उसका जो भी फिजिकल कनेक्शन होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी ये है जो वो लॉजिकल है कि आप कनेक्ट करते हो कोई भी डिवाइस तो उसमें दिखाई देता है, और सपोज केबल कहाँ से कहाँ लगी हुई है तो उसको आपको सिनेरियो को देखना हो तो आपको फिजिकल टैब में जाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि पैकेट ट्रेसर में क्या क्या है और कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्न नेटवर्किंग।